अब तक करीब 35 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। 20 सरकारी संस्थाएं स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम को चला रही हैं, जबकि विशेष तौर पर रेलवे ने भी इस मिशन के लिए 450 संस्थाओं और ट्रेनिंग सेंटर को चुना है। और युवाओं के अपने खास कार्यक्रम मेहनत रंग लाएगी में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेहनत रंग लाएगी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कौशल विकास कार्यक्रम के तहत युवाओं को दिए जा रहे प्रशिक्षण पर। इस क्षेत्र में अगर हम देखें तो महिलाओं ने भी काफी तरक्की की है। पूर्व में हम देखते थे कि गरीब और अशिक्षित महिलाएं कामकाज के लिए बाहर तो जा ही नहीं पाती थी और उनकी दो जून की रोटी बेहद मुश्किल होती थी, लेकिन कौशल प्रशिक्षण के जरिए अब वो तमाम वो कार्य सीख पा रही हैं जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण ही नहीं बल्कि अतिरिक्त आमदनी के जरिए अपने बच्चों को शिक्षित भी कर रही हैं। ये गुड़गांव में स्थित अमास स्किल सेंटर है। महिलाएं अमास सेंटर में सिलाई सीख रही हैं। इन्हें खुशी है कि वे मुफ्त में सिलाई का काम सीख रही हैं। इनसे बात करने के बाद ऐसा नहीं लगता कि ये वही महिलाएं हैं जो कल तक घर में चूल्हा चौका का काम करती थी। इनकी काम करने की ललक और कुशलता देखते ही बनती है। बात करने में काफी तेज तर्रार है। इनका इरादा भी बिल्कुल साफ है कि वो यहाँ से काम सीखकर किसी कंपनी में काम करेंगी और अगर कंपनी में काम नहीं मिला तो खुद का काम शुरू करेंगी। कंपनी में नहीं करेंगे तो घर में करेंगे, क्योंकि परिवार को हेल्प हो जाएगा। कुछ करेंगे तो बच्चे हैं, बच्चे को पढ़ाएंगे। ये बहुत अच्छा है, अब सिखाया जा रहा है। मैम लोग भी बहुत अच्छी हैं, मैम भी सिखाती हैं अच्छी। यहाँ पे सामान भी मिलते हैं को यहाँ से सीख के जी कुछ जो करेंगे या फिर कुछ घर पे अपना कुछ कर लेंगे जी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशल कामगार तैयार करने और युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए स्किल इंडिया मिशन लॉन्च किया है। ये महिलाएं इस योजना का लाभ लेकर सिलाई का हुनर सीखने में जुटी हैं। हालांकि इस योजना की जानकारी उन्हें किसी जानने वाले ने ही दी, लेकिन जब अमास स्किल सेंटर में प्रशिक्षण के लिए आई तो अमास स्किल सेंटर का माहौल उन्हें प्रभावित किया। सिखाने में कोई दिक्कत नहीं आती। तो कुछ होता ही हाँ, बस थोड़ा सा जैसे कई बिल्कुल ही जैसे अनपढ़ होते हैं ना, जिनको बिल्कुल गिनती तक भी नहीं आती उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन सीख जाते हैं वो भी, कराते हैं उनको भी। मेहनत करनी पड़ती है थोड़ी ज्यादा, बाकी कर लेते हैं वो भी। जिसके मन में इच्छा होगी करने की तो वो चाहे अनपढ़ भी होगा तो कोशिश करेगा कर लेगा। अमास स्किल सेंटर के MD राजकुमार अमास सेंटर में आने वाले प्रशिक्षुओं के अनुकूल माहौल देने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें महसूस होता है कि सरकार को स्किल इंडिया के प्रचार प्रसार में और तेजी लाने की जरूरत है। सरकार कौशल विकास कार्यक्रम के तहत ज्यादा से ज्यादा संख्याओं में युवाओं को आकर्षित करना चाह रही है। साथ ही वो चाहती है कि उन लक्ष्यों को जल्द से जल्द हासिल किया जाए ताकि देश में ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रशिक्षित युवा मौजूद हों, और इसके लिए उसने मोबाइल वैन के जरिए भी प्रशिक्षण देना शुरू किया है और इसका जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता विनोद चौधरी ने। बहुत अच्छा चांस है आपके पास सरकारी सर्टिफिकेट भी कलेक्ट करने का प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए। यहाँ हम आपको जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग कराते हैं। हम अभी जहाँ खड़े हैं ये IMT मानेसर गुड़गांव है जो हरियाणा में पड़ता है। यहाँ पर ये मोबाइल वैन है, इसके थ्रू लोगों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आप स्किल सीख कर करके किसी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं और उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है बल्कि हम आपके पास आएंगे। तो आइए जानते हैं इस मोबाइल वैन के बारे में कि इसका और क्या क्या काम है, कैसे ये काम करता है मोबाइल वैन। रोजगार का एक नया अवसर